फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज बारी है इस बेडरूम की। ये बहुत दिनों से बहुत ख़राब थी, क्योंकि सर्दियां जब स्टार्ट हो रही थी तभी जो है ये वाल बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसमें मैंने वाल पुट्टी लगाई हुई थी, तो उस समय मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पेंट करना था लेकिन मैंने किया नहीं था। तो ये देखिए, पेंट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना तो जो बच जाता है तो पेंट को मैं फिर से इसको रख लेती हूँ। तो वो पेंट भी मेरे पास बना हुआ रखा हुआ, तो मुझे बनाना भी नहीं है। उसी टाइम इस रूम का मेकओवर मुझे करना था लेकिन सर्दियाँ ज़्यादा होने लगी थी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई थी। तो तब से ये थोड़ा देखने में गंदा लग रहा था, बाकी तो काम होता ही रहता था लेकिन देखने में थोड़ा गंदा लग रहा था। तो चलिए आज इसको सबसे पहले पेंट कर लेते थे। जहाँ जहाँ ये वाल पुट्टी मैंने लगाई हुई है ना, वहाँ पर पेंट कर ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ डबल शेड मारना पड़ेगा, नहीं तो वो वाइट वाइट अंदर से दिखाई पड़ेगा। तो पहले मैं पेंट कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अब पेंट हो गया ना तो ये थोड़ा सा रूम बिल्कुल साफ़ लगने लगा, क्योंकि इतने दिन से गंदा पड़ा था ना तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। और ये पेंट हो गया तो बिल्कुल साफ़ लगने लगा। अब पहले तो मैंने सोचा था कि जहाँ जहाँ मैंने वाल पुट्टी लगाई हुई वहीं पर मैं पेंट करूँगी, तो लेकिन फिर क्योंकि थोड़ी ज़्यादा जगह भी नहीं थी, ज़्यादा जगह करना भी नहीं था, फिर ये सोचते सोचते पूरे रूम में पेंट हो गया, पता भी नहीं चला। अब मेरा ये काम फिनिश हो गया है। अब इस समय शाम हो गई है और मैंने अपने घर के जो काम को मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया है। ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा मैं अपने बेड पे वार्निश भी कर देती हूँ। और ये मैंने लिया है, वुड वार्निश है, किसी भी पेंट की शॉप पे बिल्कुल आसानी से ये मिल जाता है। तो ये मैंने 200 ml का लिया है, 100 rupees का मुझे मिला है। तो मैं इसे बेड अपने बेड में भी करूँगी और ये ड्रेसिंग टेबल, मैं दोनों में ही इसको वार्निश करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये इससे जो है वार्निश करने से थोड़ा नई जान आ जाती है, लकड़ी फर्नीचर कोई भी सामान हो, और वार्निश करने से बिल्कुल नया हो जाता है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगने लगता, चमक आ जाती है नई। जिस ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ पेंट के लिए, तो वो ब्रश जो है मैं इसके पहले भी अपने बेड में मैंने वार्निश की थी ना, तो तब ये ब्रश का मैंने यूज़ किया था। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से इसको वॉश किया था, लेकिन फिर भी इसके जो रेसे हैं ये थोड़ा सा टाइट हो गए हैं, तो इसीलिए अच्छे से ये पेंट हो तो रहा है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लिया है और उसको अच्छे से राउंड कर ले रही हूँ, और थोड़ा से कपड़े को डिप करके मैं इसी से पूरे में मैं पेंट करूँगी ना, तो ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो भी जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो मैं उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसी से ही पूरे में ड्रेसिंग टेबल बेड में मैं पूरे में इसी से मैं पेंट कर लूँगी। ये देखिए, ये भी काम मेरा बहुत जल्दी मेरा फिनिश हो गया है। अगर मैं ब्रश से मैं पेंट करती ना तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता, और एक कॉटन के कपड़े का मैंने यूज़ किया है, तो देखिए बहुत जल्दी मैंने पूरे में पेंट कर लिया है। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब बारी है, ये जो सामने आप सेफ देख रहे हैं ना, ये पूरी वाल में लगी हुई है, ये सेफ फिक्स है। तो इस साइड में जो ये वाल ये दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ा बाहर से देखने में थोड़ा प्लेन प्लेन लगती है, थोड़ा देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इस पर सोच रही हूँ कि इस पर थोड़ा डिज़ाइन में बना दूँगी तो थोड़ा देखने में अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये वाल पेंट, और ये लिया है मैंने स्टेनर चॉकलेट कलर का। मैं उसको अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं करूँगी स्टेंसिल्स का यूज़। तो जो मेरे पास रखी हुई है फ्लावर शेप में, तो जो छोटा वाला फूल है मैं वही डिज़ाइन इसमें बनाऊँगी स्टेंसिल से। तो चलिए उसको फटाफट बना लेते हैं, और बनाने के बाद देखते हैं कैसा ये लगता है देखने में। और ये देखिए, वाकई में अच्छा लग रहा है, प्लेन की जगह पर तो ये फूल बन गया, तो अच्छा ही लग रहा है फिलहाल तो। तो चलिए पूरे में बना लेते हैं इसी तरह। और ये मैंने लिया है ग्लिटर शीट। तो ये छोटे छोटे पीस मेरे पास बचे हुए थे, तो वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ होती तो मैं इसको फेंकती नहीं जल्दी, ये जुगाड़ लगाती रहती हूँ कहाँ मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैं अगर नहीं समझ में आता तो मैं उसको रख लेती हूँ, फिर जब मुझे याद आता तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो इसको ही मैंने रख लिया था। तो ये मैं करूँगी, इससे भी थोड़ा फ़ैन का भी मेकओवर हो जाएगा। जब इतना सब कुछ सफाई हो रही तो कम से कम फ़ैन का भी मेकओवर होना बनता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा डिज़ाइन ये कट कर ले रही हूँ, थोड़ा आगे से राउंड शेप में कट कर, एक बीच का सर्कल वाला मैंने कट कर लिया है। तो इसको भी मैं फ़ैन में लगा दूँगी, फेविकोल लगा के मैं फ़ैन उसमें लगा दूँगी, तो वहाँ फ़ैन भी थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए इसको मैं पहले फेविकोल लगा लेती हूँ, लगाने के बाद मैं इसको भी लगा देती हूँ। और देखिए, मैंने इसको फ़ैन में लगा दिया है,
और फ़ैन का लुक भी थोड़ा चेंज हो गया है। और देखिए ये है DIY, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये भी कबाड़ से ही जुगाड़ करके मैंने बनाया था। तो वो तब से मैं इसको रखे हुए थी, मुझे ये नहीं समझ में आता मैं इसको कहाँ लगाऊँ, तो ये दिमाग में था कि मैं यहीं पे इसको लगाऊँगी, लेकिन ये था फ्रेंड्स कि ये रूम थोड़ा साफ़ नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जब ये साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाएगा, तब मैं इसको यहाँ पर मैं फ़िक्स करूँगी। तो अब ये साफ़ हो गया है, तो इसीलिए मैं उसको लेकर आई हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर इसको फ़िक्स कर दे रही हूँ। तो इसमें पहले से ही मैंने ड्रिल मशीन से इसमें होल करवा लिया है, और अब मैं इसको पेंच से इसमें टाइट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको फ़िक्स कर लिया है, अब देखिए अच्छा भी लग रहा है थोड़ा लुक। और ये मेरा DIY जो जूट रोप से मैंने बनाया हुआ था हैंगिंग बॉक्स, तो ये चार मैंने बनाए हुए थे, तो एक ड्राइंग रूम में मेरा है और दो ये डोर पे है, बाहर साइड में मैंने लगाया हुआ है, और एक ये चौथा है जो मैं इसे यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो चेंज होते ही रहता है, फ़िलहाल तो मैंने सिंपल जो लुक जल्दी मुझे करना था मैंने चेंज कर दिया, मेरा रूम भी साफ़ हो गया है। तो फाइनली अब काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक।